हेलो एवरीवन वेलकम टू रोड टू कैट 99 सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन द क्वांट्स दैट कैन हेल्प यू स्कोर अबव 95 फाइव परसेंटाइल देर आर मेनी रीजंस टू मेक दिस वीडियो फर्स्ट इज नॉट एवरीवन इज स्कोरिंग अबव 95 फाइव परसेंटाइल सेकेंड इज देर इज स्टिल ए चांस टू इम्प्रूव एंड स्कोर अबव नाइन्टी परसेंटाइल द थर्ड इज दैट द क्वांट सेक्शन ऑफ द कैट एग्जाम कैन बी प्रडिक्टेड टू एन एक्सटेंट देखो क्वान्ट में ओवर द पास्ट ईयर्स जब आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कौन से टॉपिक रिपीटेडली अपीयर होते रहते हैं बट आज हम ये भी एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां तुम्हें लो एफर्ट और हाई रिवार्ड मिले आई हैव प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड आई विल टॉक अबाउट ईच टॉपिक कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड वट कैन बी एक्सपेक्टेड थिंग आउट ऑफ सच टॉपिक्स फर्स्ट इज अर्थमेटिक बट अर्थमेटिक में काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनमें से कुछ काफी इंपॉर्टेंट है एंड कुछ इंपॉर्टेंट इतने नहीं है सो लेट्स टॉक अबाउट ईच टॉपिक वन बाय वन द फर्स्ट टॉपिक इज रेशियोज इस टॉपिक पर एट दिस पॉइंट काफ़ी टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एंड कुछ आया भी तो इट विल भी वेरी सिंपल एंड ऐसे सीखने के लिए इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं नेक्स्ट इज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कैट क्वांट्स एंड इस टॉपिक को आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक कैन बी कंफ्यूजिंग एंड वेरी लेंथी एट टाइम्स बट अगर आप ध्यान से सोल्व नहीं करोगे तभी वो लेंथी होगा तभी वो कंफ्यूजिंग होगा स्पेशली इन दिस टॉपिक मेरी एडवाइस यही रहेगी कि गो थ्रू द क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट और एडिशन ऑफ न्यू मिक्सचर्स देर आर वेरी फ्यू फार्मूला सो मोस्ट थिंग्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस ओनली एवरेज अगेन गो थ्रू दिस टॉपिक बट ये टॉपिक में अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करो डोंट गो थ्रू वेरी सिंपल और रैंडम क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ईजी क्वेश्चन आ नहीं सकते ईजी भी आ सकते हैं बट आई होप अभी तक आपने वो टाइप के क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया होगा अब एट दिस स्टेज प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक कुछ एडिशन हो रहा है कुछ रिमूव कर रहे हो आप मिक्सचर से है ना सॉरी एवरेज से ग्रुप से राइट right? तो उसमें एवरेज का क्या चेंज आ रहा है कितना ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है एंड देर आर अदर क्वेश्चन दैट टॉक अबाउट मैक्सिमाइजिंग द एवरेज मिनिमाइजिंग द एवरेज वैसे टाइप के न्यू क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो

जहां आपको प्रैक्टिस और चीजें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑल्सो यहां आप एफर्ट्स डालोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा एंड काफ़ी लिमिटेड टाइप्स के क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे सो हंड्रेड एंड वन परसेंट आपको ऐसे स्ट्रेंथ बनानी है एंड नेक्स्ट फ्यू डेज में आप काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज टाइम एंड वर्क आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से आना चाहिए रिसेंट कैट में दोनों ही पैटर्न ऑब्जर्व किए गए हैं कि यहाँ से डिफिकल्ट एंड ईजी बहुत वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं एक प्रो टिप मेरी साइड से दैट वेन एवर यू सोल्व क्वेश्चन डू मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट टाइम एंड एफिशंसी का रेशियो इज ऑलवेज इनवर्स एंड आप टाइम एंड वर्क में कभी भी एक वैल्यू को लेट कर सकते हो अरिथमेटिक के लिए मेरा फाइनल सजेशन यही रहेगा कि आप टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेजेज एंड मिक्सचर एलिगेशन पर फोकस करो राइट सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्ज्राउंड एल्जैब्रा में फर्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक की जो आपको हंड्रेड परसेंट आना चाहिए एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रूट्स इक्वल रूट्स डिफरेंट रूट्स इन सब की नॉलेज होनी चाहिए एंड काफ़ी बार बेसिक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं एंड आफ्टर दिस यू मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन टॉपिक्स को आप एकदम हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर कर लो so that you are ready to solve each and every question related to these topics a lot of time you will find one two questions from these topics and ye topic kuch zyada difficult nahi hai aapko pata hona chahiye how to find the last term first term sum of ap gp common terms what is increasing ap what is increasing gp how to solve them ये सब जो basic basic चीजें आपको काफी clear होनी चाहिए अब बात करते हैं logarithm की Log एक ऐसा topic है जो काफी students को परेशान करता है बट अगेन लोग एक ऐसा भी टॉपिक है जहां से आपके इजी क्वेश्चंस आते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के एंड ऑलमोस्ट वंस इन एवरी टू ईयर यू सी द लोक क्वेश्चन इन एग्जाम इसीलिए इफ यू हैव सम गुड रिसोर्स जहां पर आपको लोक का कंसेप्ट समझ आ रहा है तो कवर इट एंड प्रैक्टिस अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन फॉर द लोग इन को मैं एक सेपरेट टॉपिक नहीं मानता बट हाँ काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं रिलेटेड टू इन जो आपको पता होनी चाहिए एंड यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है एंड इन में काफ़ी लोग बहुत सिली मिस्टेक है ना बहुत बेसिक मिस्टेक कर देते हैं तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए फंक्शंस का टॉपिक कैन बी टाइम टेकिंग सो यू कैन लीव दैट टॉपिक बट बेसिक नॉलेज या फिर पास्ट ईयर को तो हंड्रेड करके ही जाना क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं वो पास्ट ईयर के रिपीट आते हैं या सेम टॉपिक या सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रह गए हैं वो है ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम सो देर इज ए ट्विस्ट ट्विस्ट ये है कि काफ़ी लोगों ने ये टॉपिक्स किए नहीं है एंड उनको एक क्लियर कट आंसर चाहिए कि शैल वी डू दिस और कैन वी लीव दिस टॉपिक्स राइट अब देखो थोड़ा सा मैं एक ओपिनियन देता हूँ अपना है ना वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो तो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन बट एक अगर मैं जनरल व्यू लोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपकी तैयारी रिसेंट है अभी तक तो आप इनमें से कोई भी एक जो टॉपिक आपको लगता है डुएबल है वो आप कर सकते हो द रीज़न इज़ की वैसे तो देखो दोनों ही टॉपिक काफ़ी लेंदी हैं काफ़ी फॉर्मूलाज हैं दोनों टॉपिक्स में एंड अगर दोनों टॉपिक्स में अगर आप देखोगे भी तो इतने फार्मूलाज हैं एंड यू नेवर नो कि कौन सी जगह से कौन सा फॉर्मूला आपके यूज़ में आ जाए बट

लेट सेट व एरिया ऑफ ए सर्कल तो आप कोई भी लॉजिक कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व करके एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते यू नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क बट अगर आप वो चीज एग्जाम में भूल गए है ना एंड देर आर हंड्रेड ऑफ फार्मूला सिमिलर फॉर्मूलाज बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं राइट पैरलोग्राम का एरिया डायगनल है ना कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है कैसे डिवाइड हो रहा है ठीक है बेसिक जो फिगर होता है हमारा है ना थ्री साइडेड फिगर दैट इज ट्राइंगल उसमें भी इतने सारे फॉर्मूलाज हैं थर्टी सिक्सटी नाइनटी का ट्राइंगल फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइनटी का ट्राइंगल तो ये सब चीजों में इतने फॉर्मूलाज हैं एंड अगर कोई भी फॉर्मुला स्किप हो गया एंड लाइट से कोई भी फॉर्मुला स्किप भी नहीं हुआ तब भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है दैट इज ऑल्सो एन आर्ट इन जोमेट्री हर बंदे को हर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्लिक नहीं होता एग्जाम में स्पेशली इन द एग्जाम टाइम बट नंबर सिस्टम में अगर आप कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्लोट वन का भी देखोगे वहां पे एक फैक्टर का प्यारा सा क्वेश्चन है

बिटवीन दिस टॉपिक्स आई वुड ऑलवेज गो विद द नंबर सिस्टम बट वी विल टॉक इन डिटेल कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है जियोमेट्री में क्या क्या है आपको अगर करना है तो कैसे प्लान करना चाहिए राइट दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे मे प्रभु श्री राम ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस विद ऑल योर ड्रीम्स दैट्स इट हैप्पी दिवाली इन एडवांस थैंक यू